আমি বললে আমায় নিয়ে ভাষায় किसी महापुरुष ने लिखा है, ये नीम के पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा सिक्किम लंदन से कम नहीं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब ज्यादा हुआ है या कम ये तो मुझे पता नहीं, आप लोग ही कमेंट में बता देना। हम नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए कश्मीर कह लो, शिमला मनाली कह लो या फिर मिनी स्विट्जरलैंड ही क्यों ना कह लो, सब कुछ यहाँ पर ही है। दोस्तों के साथ हो, फैमिली ट्रिप हो, हनीमून हो या आपके एनिवर्सरी ट्रिप ही क्यों ना हो, गर्मियों के सीजन में थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल फील करने के लिए इससे शानदार जगह और क्या ही हो सकता है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक वर्चुअल ट्रिप में इन शानदार बर्फीली पहाड़ों में हमारे साथ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक और कमेंट करके हमसे दो चार बातें जरूर करना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। और आज सिक्किम में है हमारा दूसरा दिन और आज हम जाएंगे लाचुंग की ओर। अभी मैं हूँ हमारे होटल के टेरिस पे, यहाँ बैठ के अभी हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ देर बाद हमारा गाड़ी आएगा जो हमें लाचुंग की ओर ले जाएगा। लाचुंग जाते जाते बहुत सारे साइट सीन्स भी हमें देखने को मिलेगा और कल हम जाएंगे यमथांग वैली और जीरो पॉइंट, पूरे साइट सीन आपको भी मैं दिखाता रहूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी जल्दी से हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कॉमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर एक लाइट सा ब्रेकफास्ट हमारा हो रहा है रोटी सब्जी के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे लाचुंग की ओर। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं हमारे बाकी को पैसेंजर दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि हमारा जो गाड़ी है वो हमने एक शेयर टैक्सी बुक किया है जिसमें हमारे साथ 8 और लोग भी है, तो वो सभी लोग हम एक साथ जा रहे हैं लाचुंग और उसके बाद कल हम जाएंगे जीरो पॉइंट। सो लगभग एक घंटा ड्राइविंग के बाद यहाँ पर हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे यहाँ पर कोई व्यू पॉइंट नहीं है लेकिन एक ब्रिज है, वहाँ से अच्छा खासा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है चारों तरफ। और यहाँ पर एक पानी भी बह रहा है कहीं से, कोई वाटरफॉल नहीं है, बस ऐसे ही पहाड़ों का पानी नीचे गिर रहा है बहुत, लेकिन पानी जो है बहुत साफ है। और यहाँ पर हवा इतना तेज़ है, आप शायद इस फ्लैक्स को ही देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितना तेज़ हवा यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल। एक्चुअली ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 7 लेयर में पानी गिरता है, लेकिन अभी यहाँ पर 2 ही लेयर हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 4 घंटे बाद यहाँ पर हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए और यहाँ से लंच करके हम लोग जाएंगे आगे। और इसी होटल में हमारा लंच होने वाला है और ये लंच जो है वो हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड था। अभी देखते हैं खाना कैसा होता है। वैसे तो खाना जो था वो दिखाने लायक था नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन खाया दबा कर। और आगे जाकर वो खाना हमने हजम कैसे किया वो भी आपको दिखाएंगे। तो लाचुंग जाने से पहले अभी हमें एक चेक पोस्ट पे चेक इन करवाना होगा, तो वहाँ पर परमिट वगैरह चेक करके ही हम आगे जा पाएंगे। वहाँ जो ब्रिज है उस ब्रिज के उस पार पे हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पर भी सब गाड़ी वगैरह जो है वो लाइन पे खड़े हैं। लास्ट ईयर फ्लड में सिक्किम का बहुत ही बुरा हालत हो चुका था, आप देख ही पा रहे हो इस रिवर का क्या हालत है। और अभी आगे जाकर आप देखोगे कि रोड्स का भी बहुत ही खराब हालत है, पूरे रोड साइड जो है वो लैंडस्लाइड होके टूट फूट गया है और यहाँ पर कार जर्नी करना और इतना लंबा जर्नी करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हमारा खाना जो है वो खाना खाने के बाद पूरा यहीं पर ही हजम हो चुका है। इतना ज़्यादा चराई था रोड्स पे, आप देख ही पा रहे हो पहाड़ों के ऊपर से, और ऐसे ऐसे सीधा ढलान, मतलब क्या बोलूँ, सर चकरा रहा था और जो पेट में था वो शायद निकलने ही वाला था।
सुबह के 11 बजे हम लोग निकले थे और अभी 7:15 बजने को आया है और होम स्टे तक जाते जाते और भी 1.5 घंटा बाकी है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा नाश्ता वगैरह कर ले। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के 2-3 प्लेट दबाकर मोमो खा लिए है। तो लगभग 10 घंटे बाद फाइनली हम लोग लाचुंग आकर पहुंच गए हैं और यहाँ पर इसी होम स्टे पे हम लोग रुकने वाले हैं आज की रात। पूरा रोड जो था आपने तो देखा ही था रोड का हालत क्या है, और ऐसे रास्ते पे जर्नी करके मतलब पूरा हालत ख़राब हो चुका है, बहुत ही टायर्ड। ये वीडियो शूट करते ही मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा था क्योंकि इतना टायर्ड हो जाऊँगा मैं कब सोने जाऊँगा। तो लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ डिनर के लिए क्योंकि अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ है और ये डिनर भी हमारे इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। अभी डिनर के लिए भी हमारा कॉल आ चुका है, अभी हम लोग जाएंगे डिनर करके और सो जाएंगे क्योंकि सुबह 5:30 बजे कल निकलना है हमें, तो 4 बजे उठना पड़ेगा। सो बहुत ही हार्ड एक जर्नी था, मज़ा भी आ रहा है और बहुत तकलीफ भी हुआ है, और ख़ास करके लाचुंग में बहुत ठंड भी यहाँ पर है, यहाँ पर ही इतना ठंड है तो कल 0 पॉइंट में क्या हालत होने वाली है उसके बारे में भी सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग, और आज है हमारे ट्रिप का दूसरा दिन। लास्ट नाइट हम लोग रुके थे लाचुंग में और अभी सुबह के बजे है 5:30। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं 0 पॉइंट, बर्फ का पहाड़ और स्नो पहली बार हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा है और मैं तो यही सोच के मतलब कांप रहा हूँ कि 0 पॉइंट में क्या होगा। और आज हम लोग टोटल 9 लोग जाने वाले हैं। कल का जो हमारा ग्रुप था उनके साथ तो आपका मुलाकात नहीं करवाया, आज ज़रूर करवाएंगे। बहुत ही नाइस पीपल है, दे ऑल आर फ्रॉम बांग्लादेश। पूरा रेडी हो चुका हूँ, साथ में जूते भी ले लिए हैं क्योंकि स्नो में चलने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे होटल वाले भाई साहब बोल रहे थे, तो इसीलिए शूज़ भी ले लिए हैं रेंट पे उनसे। अभी जाकर देखते हैं कैसा होता है वहाँ का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा पर हम लोग रुके हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठंड बहुत ज्यादा है और यहाँ का व्यू भी बहुत शानदार है। भैया किसी एक बोलो कैम लगता से जस्ट वाओ, এত ভালো লাগতেছে, হাত বরফ হয়ে গেছে, মুখ মনে বরফ খেতে পারতেছি না, বাট তারপরে মনে হয় যে খাওয়া দোকান নেই, যাই দেখবো। But if you don't wanna tell me now, I can't.
এবং মাঝে মাঝে ইয়া হচ্ছে, মানে একটু বেসিক প্রবলেম হচ্ছে। মানে একটা কথা আছে না, মানে স্বল্প সুখে কাতর, অধিক সুখে পাথর। আমি পাথর হয়ে গেছি এই সিনারিও দেখে মুগ্ধ। আমার মনে হয় যে এখানে যেটা বিয়ে করে দেওয়া পছন্দ করে ভাই, দেখেন না একটা বাড়ি মেয়ে দেখে বিয়ে করে দিবে, সেটেল হয়ে যাবো ভাই। ঠিক আছে দাদা, একটু দেখো না। धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, अंदर एक प्रेशर सा फील हो रहा है और सर में थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आए हैं तो पूरा देख कर ही जाएंगे। तो 0.5 जाते जाते अभी भी 15-20 मिनट का टाइम और बाकी है, लेकिन अभी से ही सांस फूलना स्टार्ट हो गया, सर दर्द भी स्टार्ट हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, शायद धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना शानदार जगह आने के लिए इतना तो तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, वरना क्या फ़ायदा। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं 0., लगभग 16,000 फीट ऊपर। सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन शुरुआत छोटे छोटे सपनों को पूरा करके ही किया जाता है। ठंड के मारे हालत खराब हो रहे, हाथ मतलब जम के लाल लाल हो चुके हैं। पहाड़ तो हमेशा से ही मेरी प्रायोरिटी के लिस्ट के टॉप में रहा है, और जब बात आती है ऐसे खूबसूरत व्हाइट स्नो कवर्ड पहाड़ों की, तब तो बात ही कुछ अलग होती है। और आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे और फर्स्ट टाइम बर्फीले पहाड़ों में बिताए हुए ये खूबसूरत पल मेरे लिए यादगार हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। लगभग 2 घंटा 0.5 बिताने के बाद अभी टाइम है नीचे उतरने का, और यांगसांग वैली के लिए अभी हमें जाना पड़ेगा। 2 घंटे से यहाँ पर है, ठंड इतना ज़्यादा है कि हाथ पाँव एकदम जम चुका है, कान जो है दर्द कर रहा है, और आँखों से मतलब पानी गिर रहा है, क्या बोलूँ। ये अप्रैल महीना है और इसी महीने में इतना ठंड है, और यहाँ पर एक आने के बाद एक चीज़ मैं सोच रहा था कि लोग भाई एवरेस्ट में कहीं क्लाइंब कैसे करते हैं, इतना ठंड है यहाँ पर। सो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही अच्छा लगा, एकदम फ्रेश है, और ठंड की वजह से थोड़ा तकलीफ हो रहा था सांस लेने में, ऑक्सीजन लेवल कम है, और ऊपर चढ़ के थोड़ी देर चलने के बाद ही मैं बैठना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ही टायर्डनेस फील हो रहा था। यहाँ पर सामने जो है शायद यहाँ पर पानी है नीचे, जैसे ही यहाँ पर हम लोग पैर देते बर्फ़ टूट के पैर अंदर चला जाता है, इसका मतलब वहाँ से चलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पत्थर निकला हुआ है, वहाँ का जो बर्फ़ है वो सॉलिड है एकदम, तो वहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, इसी वजह से हम लोग वहीं से जा रहे थे जहाँ से मतलब पत्थर दिखाई दे रहा है, ताकि हमें नीचे जाने का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है, शायद पैर एकदम नीचे, यहाँ पर पूरा बर्फ का कैसे नहीं जा सकते, पैर मतलब पानी में अटक सकता है। सो अभी हम लोग आए हैं योंगथांग वैली 0.0 से निकलने के बाद,